नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज की ये जो वीडियो है, इसका टॉपिक है कि चंद्र का आपके लिए क्या संदेश है। देखिए, हम सब जानते हैं चंद्र का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है सबके जीवन में, है ना, क्योंकि चंद्र हमारी जो भावनाएं होते हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी जो माँ होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उसको हमको देखते हैं, आपके चंद्र आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चंद्र का मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, चंद्र का मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। चंद्र का मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। चंद्र का मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। चंद्र का मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। YouTube व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। ओके, मून का ही कार्ड आ गया। देखिए, टेम्परेंस, जस्टिस, चैरियट, वो सारे मेजर मेजर कार्ड हैं। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके सारे मेजर कार्ड आए हैं। तो आपके, देखिए, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से मुझे क्लियर दिख रहा है कि जो चंद्र है उसका प्रभाव आपकी राशि पर या आपके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा गहरा असर है ना। तो क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है क्योंकि आपकी चंद्र की रीडिंग करी और यहाँ पे सारे मेजर कार्ड्स हैं। तो देखिए, चंद्र आपसे, देखिए मैं बताऊँ, यहाँ पे सब कुछ मुझे बैलेंस बैलेंस दिख रहा है अभी, है ना। तो आपका जो चंद्र है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भावनाएं थी, भावनाएं माँ से जुड़ी होती हैं, आपकी भावनाएं कुछ ऐसी थी कि आप सप्रेस्ड थे। सप्रेस्ड मतलब कि आपकी जो भावनाएं हैं वो एक जगह इकट्ठा हो गई थी और आपने कभी उनको एक्सप्रेस नहीं किया, कभी बोला नहीं आपने कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो। और अगर आपने बोला भी तो आपको उस बात के लिए बुरा फील कराया गया, गिल्टी फील कराया गया, या आपकी माँ ही शायद नहीं समझ पाती थी आपको, और फिर आपको अपनी माँ से ही थोड़ा सा धिक्कार या हेट मिलती थी। तो मून आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी ये जो कष्ट था, ये क्या है, आपने इसको अपने लिए एक बैलेंस ले आए हो आप इसके अंदर। आपने क्या किया है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे मून और सन का बैलेंस है, यहाँ पे लाइट और डार्क का बैलेंस है, ब्लैक एंड वाइट का बैलेंस है, यहाँ जस्टिस का बैलेंस है, फिर यहाँ स्ट्रेंथ है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मून आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर इन सब बातों का बहुत गहरा प्रभाव हुआ, पर आप इतने स्ट्रांग पर्सन निकले, और आपने शायद, आप दुर्गा माँ के भी भक्त होंगे या भगवान की बड़ी पूजा पाठ करते हैं, तो आपने क्या किया, जो आपके अंदर का बचपना था ना, बच्चा मन था, आपने उसको एक्सेप्ट किया। जो आपको बचपन से नहीं मिला या धिक्कार मिली या जो भी था आपका, जैसा बचपन रहा, आपने अपने बचपन को समझा है, आपने अपनी दुख को समझा है, अपनी अपने कष्ट को समझा है, आपने अपने जो अच्छे हैं वो भावनाएं होती है ना, जब आप खुश होते थे आपने उसको समझा, जो आपके अंदर की भाई बुरी भावनाएं थी कि आप किस बात से दुख होता था, किस बात से आपको नफरत थी, किस बात की आपको गिलानी थी। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से, बिल्कुल बारीकी से समझा और इनको आपने एकदम से बैलेंस कर लिया है। देखिए, यहाँ भी आपके पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर, लाइट और डार्क में आपको कंट्रोल है, और यहाँ भी आपको जस्टिस मतलब बैलेंस है, और ये टेम्परेंस है मतलब कि ये है कि आपने बड़े पेशेंस के साथ, है ना, पेशेंस के साथ आपने बैलेंस लेकर आए और आपने इन चीज़ों को समझा कि भाई ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा, क्या नहीं हो रहा। आपने अपनी माँ को भी समझा, और उसके बाद आपने क्या किया, आज जो आप इंसान हो ना, बहुत ज़्यादा आप वाइज इंसान हो, आप बहुत समझदार इंसान हैं आज की डेट में, आप इतने अपनी एज से भी ज़्यादा आप बहुत वाइज इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, और आप बहुत खुश भी हैं। खुश मतलब कि आप संतुष्ट हैं अपने आप से, अपने जीवन से। और दूसरी बात, मून आपसे, चंद्र ये बोलना चाहते हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी पाया है इस पूरे सफ़र में, इस जर्नी में, है ना।
तो आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान भी है, और आपने क्या किया है, अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी थी, मतलब जो आपके अंदर का पुरुष तत्व था, स्त्री तत्व था, उसका आपने बहुत ही सुंदर अंदर एक बैलेंस बनाया, एक संतुलन बनाया है ना। और अब आप जो भी करते हो बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने कर्म करते हो, है ना, और आप सच में बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि यहाँ कार्ड से दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। और चंद्र आपसे ये कहना चाहते हैं, इस सफ़र में आपने जो ज्ञान पाया है, ये ज्ञान आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा, और ये ज्ञान आपके लिए सच में बहुत सारा अबंडेंस, रिस्पेक्ट और खुशियाँ लेकर आएगा। और आपके जो चंद्र है वो आपसे ये कहना चाहते हैं, इस ज्ञान का आप उपयोग करें, अपने रिश्तों को हील करें, अपने घर को हील करें और कम्युनिटी को हील करें, है ना, और एक पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो। आपके हाथ में इतनी शक्ति दी है चंद्र ने कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो ये चंद्र का आपके लिए संदेश था, और अगर आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इमोशन से डील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, मैं खुद जानती हूँ। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कष्ट देखे हैं अपने लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो आप सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना कर रखें, और आप अकेले नहीं हैं, और बहुत अच्छा किया आपने कि आपने खुद को पुश किया और यहाँ तक पहुँचाया आपने। तो आप प्लीज़ अपने ज्ञान का पॉजिटिवली इस्तेमाल करें और सबकी हेल्प करें, एंड आई होप कि आप आपकी लाइफ आगे भी बहुत सुंदर रहे, अच्छी रहे और सफल रहे। तो ये मेरी आपके लिए शुभकामना है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए, और मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।